डिस्टेंस है बाई रोड होता है कौन, बाई रिवर डिस्टेंस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, वहाँ जाके ऐसे मत बोलना भैया हमें छोटा करा। ओके, सो कुछ लोग हमसे आगे जाते हैं बिकॉज उनका ऑफिस आगे होता है, तो देन उनका फिनिशिंग पॉइंट भी आगे होता है। हमारा ऑफिस तपोवन में था, हमारा ऑफिस तपोवन में थे, फिनिश हमारा नहीं मिलता, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऐसा मत बोलना प्लीज़, हमें भी आगे। ओके नाउ गाइस, अभी हम लोग टोटल यहाँ से 14 रैपिड्स हिट करने वाले हैं, सो जिसमें से 4-5 मेजर रैपिड आएंगे। सो ज़्यादातर चांसेस क्या होता है कि मेजर रैपिड में आप लोग फॉल आउट हो सकते हैं एंड हमारा फ्लिप भी हो सकते हैं, बट आप लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज यू हैव ए 3 गुड इक्विपमेंट्स लाइक हेलमेट। सबको पता है हेलमेट का वर्क क्या होता है, आपकी हेड की सेफ्टी, एंड सेकेंड थिंग आपकी PFD पर्सनल फ्लोटेबल डिवाइस, ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली फ्लोट करता है, डज नॉट मैटर आपको स्विमिंग आता है या नहीं आता। ओके, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, जिसको भी स्विमिंग आता है प्लीज ट्राई नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे स्विमिंग कोई काम करने वाला। ओके, सो थर्ड थिंग, आपका रिवर का बेस्ट फ्रेंड एवरी वन प्लीज कॉल पैडल, हाँ डोंट कॉल चप्पू डंडा। ओके सर, पैडल 3 डिफरेंट पार्ट में होता है, टी शॉप एंड ब्लेड, ये होल्ड होता है आपका टी पार्ट से, थंब डाउन फोर फिंगर टॉप एंड सेकंड हैंड जस्ट नियर द ब्लेड। ओके, तो अगर आप बोर्ड के लेफ्ट साइड बैठे हो तो आपका राइट हैंड टी पार्ट पर रहेगा, एंड अगर राइट साइड बैठे हो तो आपका लेफ्ट हैंड टी पार्ट पर रहेगा। ओके, सो गाइस, पैडल का वर्क होता है सबसे पहले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑन द रिवर, ये रोइंग करने में काम आने वाला है, एंड सेकंड ये रेस्क्यू करने में भी काम आता है। सो रेस्क्यू करने में कैसे काम आएगा आगे बताता हूँ। सो फर्स्ट देखो, जैसे आप लोगों को फील होता आप लोग गिरने वाले हो, फॉल आउट होने वाले हो, तो आपके बोर्ड के चारों तरफ येलो एंड ग्रीन डॉट दिख रहा है, कैन यू सी, फॉल लाइफ है। सो इसका वर्क क्या है, जैसे आप लोगों को फील हो रहा आप लोग गिरने वाले, आप सेम टाइम में रोप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने रोप होल्ड करा था आपका रेस्क्यू इजली 1-2 सेकेंड में ही हो जाए। इनकेस अगर आपसे रोप होल्ड नहीं हो पाती, सो सेकंड ऑप्शन होता है पैडल से टी रेस्क्यू, बट गाइस नेसेसरी नहीं होगा कि गाइड ही रेस्क्यू करेगा बिकॉज जो भी हमारा एक्शन होता है वो रैपिड सेक्शन में होगा। सो रैपिड सेक्शन में फर्स्ट ऑल क्या, गाइड का बोट को कंट्रोल करना एंड बोट को डायरेक्शन देना। सो उस सिचुएशन में आप लोगों के एक दूसरे की हेल्प करनी होती है, करना क्या होता है, अगर कोई भी लेफ्ट साइड से फॉल आउट होता तो उसे लेफ्ट साइड वाला ही रेस्क्यू करेगा, एंड राइट से होगा तो राइट साइड वाला, अच्छा नहीं राइट वाला लेफ्ट जा रहा, लेफ्ट वाला राइट जा रहा, जिस साइड से बंदा गिर जा रहा है वाला। सो आपको करना क्या होता है, क्योंकि अपने पैडल का ब्लेड पार्ट होल्ड करना होता है एंड टी पार्ट स्विमर के पास करना, स्विमर टी पार्ट होल्ड करेगा देन आप इजली उसको अपने पास खींच सकते हो। ओके, डोंट ऑफर द ब्लेड पार्ट, है ना, ऑफर तो कर दिया बट पकड़ भी लिया बट आप उसको अपने पास नहीं खींच पाओगे क्योंकि ये स्लिपरी पार्ट होता है और पानी में भीग के और ज़्यादा स्लिपरी हो जाए। ओके नाउ गाइस, इनकेस ये भी नहीं हो पाता आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को पैनिक नहीं होना एंड अपना बॉडी बैलेंस करनी, आपका ऐसा नहीं फेस नीचे हो पानी में, अगर आपका फेस अंडर द वाटर होगा ना तो आप ब्रीथ नहीं ले पाओगे, तो वो सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत पैनिक सिचुएशन होने वाली है। तो आपको क्या करना, सेम पोजिशन में नहीं रहना, फर्स्ट टर्न योर बॉडी एंड सी द स्काई, 1-2 सेकेंड काम डाउन रखना, देन आपको क्या करना है व्हाइट वाटर रिवर पोजीशन मेंटेन करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो व्हाइट वाटर रिवर पोजीशन में जो हेड होता है वो अप स्ट्रीम की ओर रहेगा, लेग शुड बी डाउन स्ट्रीम एंड फिर सी द स्काई, होल्ड योर लेग जैकेट शोल्डर देन टेक अ व्हाइट वाटर। ओके देन गाइस, अभी क्या होगा, आपको वापस भी आना है बोट पे ना, राइट तो उस सिचुएशन के लिए गाइड के पास ये होता है, उसको कॉल करते हैं थ्रो बाई गैप के बेस्ट के लिए, इसके अंदर 15-20 meters समथिंग रोप होती है। ओके, बट इसे थ्रो करने से पहले जो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए गाइड के साथ होना चाहिए, तभी ये बैक थ्रो होगा अदरवाइज। ओके, सो अगर आपका आई कांटेक्ट गाइड के साथ नहीं है तो गाइड क्या करेगा, आपके तरफ विसल करेगा या फिर कॉल करेगा, हे स्विमर, जिस साइड से भी साउंड आ रहा है उस साइड को आपको क्या करना, आई कांटेक्ट करना, देन जो उसका स्टार्टिंग पार्ट होगा वो गाइड के थंब में लॉक होगा, देन बैग आपकी तरफ थ्रो करेंगे फिर रिलीज होते हुए आपकी तरफ आ, बट ये नेसेसरी नहीं होता डायरेक्टली आपके हाथ में कैच होगा, आपके लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं भी गिर सकता है, तो थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना गाइस, देन रोप को नॉर्मली होल्ड करना लाइक दिस, डोंट एंकर योर बॉडी पर, लाइक आपने हैंड में कर दिया, लेग्स में कर दिया या फिर नेक में, हैप्पी बर्थडे। आपको क्या करना है, नॉर्मली होल्ड करना लाइक दिस, एंड उस सिचुएशन में आपके पास ये पैडल है तो गाइस प्लीज डोंट लीव द पैडल बिकॉज ये आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा फ्लोट करता है, एंड देन आपको लग रहा है रिवर में बहुत सारे रॉक्स वगैरह, आप रिवर पे रॉक साइड हिट होने जा रहे हो तो आप इससे अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकते, सो कोशिश करना इसे छोड़ना। ओके देन एक एक हाथ में दोनों चीजें रहेंगे, देन अटैच योर लेफ्ट जैकेट शोल्डर लाइक दिस, देन अगेन व्हाइट वाटर रिवर पोजीशन मेंटेन करना आपको, देन गाइड इजली आपको अपने पास खींच लेगा। ओके इतना समझ आएगा। ओके सो समटाइम क्या होता है, बोट ही फ्लिप हो जाता है, लाइक अभी बोट के ऊपर बैठे उस सिचुएशन में बोट हमारे ऊपर आके बैठे। ओके
तो उस सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है आप बोर्ड के अंदर शक हो गए, 1-2 सेकंड हो गए आप बोर्ड से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आपको क्या करना है, दोनों हाथ पांव से बोर्ड को किक करना, आप बहुत ही इजीली बोर्ड से बाहर आ जाते हैं। सो आपका फर्स्ट वर्क रहता है उस सिचुएशन में ये रोप होल्ड करने का, लाइफ लाइन होल्ड करने का। गाइड का वर्क होता है उल्टी बोर्ड के ऊपर क्लाइंबिंग करना, देन आप लोगों को काउंट। अगर उस सिचुएशन में आप लोग सब ओके होते तो गाइड आपको एक कमांड करता है किसी भी एक साइड आने के लिए, लाइक लेफ्ट साइड, राइट साइड, या फिर स्टार्टिंग में आपको लंबी सी रोप दिख रही है गोल है, या फिर ये गोल एंड पास कराएगा। जितनी जल्दी आप लोग ये कमांड फॉलो करोगे उतनी जल्दी गाइड बोर्ड को रिफ्लिप करके आप लोगों को वन बाय वन रेस्क्यू करते हुए अपने फिनिशिंग पॉइंट पर देगा। बट गाइस समटाइम्स सिचुएशन ऐसा होता है कि गाइड आपको बोर्ड लिफ्ट करने के लिए भी बोल सके, सो प्लीज़ उस सिचुएशन में गाइड से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, लाइक भैया हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बोर्ड छोड़ देना है 1-2 सेकंड के लिए, देन गाइड बोर्ड को ईजिली रिफ्लिप करके आप लोगों का वन बाय वन रेस्क्यू करेगा। ओके इतना समझ आएगा गाइस? यस। ओके गाइस, तो हमारे साथ दो बोट है, दो बोटों में दो गाइड होंगे। सो उस बोट में मैं गाइड कर रहा हूँ, मेरा नाम है रोशन, देन मेरे साथ असिस्टेंट होंगे मिस्टर सुर। ओके, देन उस बोट में आप लोगों के साथ होंगे मिस्टर आशीष, उनके असिस्टेंट होंगे मिस्टर विपिन। ओके सो गाइस, आप लोग हमेशा बोट में बैठोगे फ्रंट टू बैक साइड एंड गाइड शिफ्ट करने वाला होता है। तो बोट का ये एक्स्ट्रा रोप दिख रहा है गोल लाइन, ये हमेशा बोट का फ्रंट पार्ट होगा। सो ये फ्रंट एंड बैक, राइट एंड लेफ्ट, सो फ्रंट टू बैक प्रॉपरली लेफ्ट एंड राइट सीट होकर बैठेंगे आप लोग, लाइक दिस। कोई भी इन सीट आके मीटिंग मतलब सपोर्ट नहीं लेगा क्रॉस टू। ओके प्रॉपरली बाहर होकर बैठना। ओके गाइस, तो हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट राफ्ट है, ठीक है। इसमें जो बैठेंगे इसमें फुट कब है बट उसमें नहीं है। आपको फुट लॉक कैसे करना है इस वाली में, अगर आप बोर्ड के लेफ्ट साइड बैठो तो आपका लेफ्ट फीट फुट कब में रहेगा, राइट आपका बैक साइड एरी लॉक होगा। अगर आप बोर्ड के राइट साइड बैठो तो राइट फीट फुट कब में एंड लेफ्ट आपका बैक साइड एरी लॉक होगा। जो उस बूथ में बैठेगा, अगर आप बोर्ड के लेफ्ट साइड बैठो तो आपका लेफ्ट फीट फ्री रहेगा एंड राइट आपका बैक साइड एरी लॉक रहेगा। सेम अपोजिट साइड होता है राइट साइड, राइट फीट फ्री एंड लेफ्ट आपका बैक साइड एरी लॉक। सेकेंड थर्ड फोर्थ दोनों बोटों में सेम है, राइट फर्स्ट आउट सीट होकर बैठना है। अगर बोर्ड के आप लेफ्ट साइड बैठो तो आपका लेफ्ट फीट रहेगा अंडर द क्रॉस टॉप एंड राइट बैक साइड। सेम अपोजिट साइड होता है सेम थर्ड रो पे एंड सेम फोर्थ रो। ओके नाउ गाइस, अभी ऑन द रिवर गाइड चलेगा तो आप लोगों को 3-4 कमांड देगा, तो वो आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो करना होगा। ओके सो फर्स्ट कमांड होता है फॉरवर्ड। सो फॉरवर्ड में सबसे पहले आप लोगों का एल्बो नी स्ट्रेट होना चाहिए, लाइक 90 डिग्री। लीन योर बॉडी फ्रंट, सेम टाइम डिप योर पैडल बिलेट पार्ट एंड पुल बैक, लीन योर बॉडी फ्रंट टू बैक। प्रॉपर अपना बॉडी लीन करना आगे से पीछे, डोंट लाइक चप्पा चप्पा चरखा चलेना। ओके सेकेंड कमांड करता है स्टॉप। सो स्टॉप में पैडल होना चाहिए ऑन द थाई एंड ओवर द पैडल आप लोगों को रोप होल्ड करना है, अंडर द पैडल नहीं करना, बिकॉज अंडर द पैडल अगर आपने पकड़ा गाइड आपको रैपिड सेक्शन में स्टॉप कमांड करता है तो वेव्स आके इसे हिट करेगा और ये किसी और के हिट कर सकता है, तो वो आप लोगों के लिए देंगे। अगर आपने ओवर द पैडल पकड़ा तो ये लॉक करेगा। ओके सो गाइज टी पार्ट भी नहीं छोड़ना, अगर आपने इसका टी पार्ट पकड़ा है तो ये आपके कंट्रोल में रहेगा, अगर आपने इसका टी पार्ट नहीं छोड़ा है फिर आपको भी हिट कर सकते हैं। सो टी पार्ट भी नहीं छोड़ना, ये पोजीशन होना चाहिए। ओके नाउ थर्ड कमांड और बैक पैडल, कृपया थर्ड का सपोर्ट लेके सिम फॉरवर्ड टू अपोजिट बैक टू फ्रंट, बैक फ्रंट पीछे से आप। ओके फोर्थ कमांड होता है गाइड, एक इमरजेंसी कमांड है। ये किस सिचुएशन में गाइड करता है, जब गाइड को लगता है गाइड की बोर्ड किसी बिग होल में जा रहा है जहाँ से आप लोग फॉल आउट हो सकते हैं या हमारा फ्लिप भी हो सकता है, तो कमांड होगा एवरीबॉडी गेट डाउन, या फिर शॉर्ट में गाइड करता है गेट डाउन। सो फर्स्ट होल्ड द रोप लाइक स्टॉप वाली पोजीशन में आना आप लोगों को, अनलॉक योर फीट एंड गेट इन टच। ओके ओनली हाफ बॉडी, पूरा इधर या आराम से नहीं बैठ, ठीक है ना, ये पोजीशन में गेट बैक, टेक योर पोजीशन एंड लॉक योर फुट, रेडी टू फॉल। ओके गॉट इट, एनी क्वेश्चन गाइस, एनी क्वेश्चन? नो नो आपका स्लीप है वहाँ, सो आप वहाँ पे शिफ्ट करोगे वहाँ पे आपको रिमूव कर देगा, स्लीपर नहीं आ जाएगी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है, स्लीपर का ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अपने ज़्यादा ध्यान देना। ओके पहले रखे, लेके पहले रखे जो आपको कंफर्टेबल लगता है उस सिचुएशन में, अगर और यदि नीचे भी तो घबराना नहीं है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो गाइस माय लास्ट क्वेश्चन, किसी को मेडिकली प्रॉब्लम थी नहीं, कोई किसी नहीं है, हार्ट पेशेंट, अस्थमा पेशेंट, कोई मेजर बैक प्रॉब्लम, हाल ही में कोई बिग सर्जरी हुआ हो? नहीं नहीं सब ऑल आर फिट,
तो लवली गंगा मैया की जय। चलो गाइस अपने गंगा मैया की जय।